तो पीएम मोदी ने कांग्रेस में झगड़े की वजह भी बताई, क्या इसीलिए कांग्रेस संगठन में पार्टी छोड़ने की होड़ मची हुई है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता अशोक चव्हाण बीजेपी में शामिल हुए, तो वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ के नाम की भी अटकलें तेज हैं। वैसे कमलनाथ लगातार ये बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले मीडिया को बताएंगे। अगर ऐसी कोई बात हुई सबसे पहले मैं आपको सूचित करूंगा। इधर कमलनाथ को लेकर के कांग्रेस में हलचल तेज है। कांग्रेस का दावा है कि कमलनाथ पार्टी नहीं छोड़ेंगे। दबाव ईडी का, आईटी का, सीबीआई का, जो सब पर है वो उन पर भी है, लेकिन कमलनाथ जी का चरित्र दबाव में आने वाला नहीं रहा। शनिवार को कमलनाथ मध्य प्रदेश से अचानक दिल्ली पहुंच गए और ऐसी अटकलें लगाई जाने लगी कि वो बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करेंगे। दावा ये भी है कि कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ भी कांग्रेस छोड़ सकते हैं। तो वहीं कमलनाथ के घर से कुछ ऐसी तस्वीरें भी आईं जिनसे ऐसा लगने लगा है कि वो बहुत जल्द अपने बेटे नकुलनाथ के साथ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। दरअसल दिल्ली स्थित कमलनाथ के घर पर जय श्री राम लिखा झंडा लगाया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि ये झंडा कुछ दिनों पहले ही लगाया गया है। एक ऐसी चिन्ह भी है जिसको कि जिससे लगता है कि ये आने वाले समय में भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि इनके जो घर के ऊपर में एक झंडा लगा है जिस झंडे पे जय श्री राम है, और ये झंडा अभी हाल में ही ये झंडा लगाया गया है। यही नहीं, कमलनाथ के करीबी नेता सज्जन सिंह वर्मा ने एक्स पर एक पोस्ट भी किया है जिसमें उन्होंने जय श्री राम के साथ तेरे राम मेरे राम तुझमें भी राम मुझमें भी राम लिखा है। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस ने पिछले 5 सालों में पार्टी छोड़ने वालों की एक लिस्ट बनाई है। कांग्रेस ने दावा किया है कि बीजेपी में जाने वाले 58 नेताओं में से सिर्फ 7 नेता ही चमके हैं। तो सवाल ये है कि क्या कमलनाथ ने हाथ का साथ छोड़ने का मन बना लिया है, और क्या कांग्रेस कमलनाथ को रोकने की कोशिश कर रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन की फोटो जारी नहीं करने को लेकर के बवाल मच गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राहुल की टीम को कैमरा लेकर मंदिर में एंट्री नहीं करने दी गई। यही नहीं, मंदिर प्रशासन ने जो तस्वीरें खींची उन्हें जारी भी नहीं किया। हमने फोटो तो लेना तो वास्तविक है, पर हमें मना किया गया। कैमरा जीवी जो दिल्ली में बैठे हुए हैं वो चाहते हैं कि ये तो वन नेशन वन फोटो का देश है, पर 4 घंटे बाद उन्होंने हमें कुछ फोटो भेजा जो उन्होंने लिया था, और वो राहुल जी का था, वो सिक्योरिटी गार्ड के साथ जो मंदिर में प्रवेश कर रहे थे, गर्भगृह का नहीं था। यही नहीं, कांग्रेस ने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाते हुए नरेंद्र मोदी के साथ साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी तंज कसा। उनकी बिल्कुल ऊपर से आदेश आया होगा, जो कैमरा जीवी दिल्ली में बैठे हुए और कैमरा जीवी के छोटे भाई जो उत्तर प्रदेश में शासन कर रहे हैं, उन्होंने कह दिया होगा कि राहुल जी का फोटो लेना मना। राहुल गांधी के काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन की तस्वीरों को लेकर सियासत यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेताओं और कांग्रेस प्रवक्ताओं ने भी तस्वीरों की आड़ में बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने की पूरी कोशिश तेज कर दी है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि राहुल गांधी की लोकप्रियता से घबराकर सरकार के इशारे पर काशी विश्वनाथ दर्शन की तस्वीरें नहीं किया गया, क्योंकि ये लोग घबराते हैं, ये डरते हैं, ये तानाशाह है, ये डरपोक है, ये कायर है। अगर ये सब ना होते तो ये फोटो रिलीज कर देते। हालांकि कांग्रेस के इन आरोपों को मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा ने निराधार बताया, जबकि काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि राहुल गांधी ने गर्भगृह में पूजा ही नहीं की। कांग्रेस ने राजेंद्र तिवारी से पूजा कराने का दावा किया, लेकिन ट्रस्ट ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि राजेंद्र तिवारी नाम के कोई पुजारी ही नहीं है। लेकिन कांग्रेस मंदिर समिति के इस दावे को खारिज करती दिखी। आज बाबा का गर्भगृह में उन्होंने बकायदे अभिषेक किया और बकायदे बाबा का ध्यान किया, वो फोटो अभी तक प्रशासन ने नहीं दिया। कांग्रेस तो कांग्रेस, उसके सहयोगी पार्टियों को भी राहुल गांधी के काशी विश्वनाथ दर्शन की तस्वीर पर राजनीति करने का मौका मिल गया। और ताजा ताजा बीजेपी की गुगली पर क्लीन बोल्ड हुई आरजेडी, इसे भुनाती नजर आई। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने इस बहाने नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया। कैमरा तो इस देश में एक ही व्यक्ति के लिए सुरक्षित, मतलब कैमरा ना हो तो वो व्यक्ति, वो मोर को दाना खिलाए तो कैमरा है, ईश्वर के समक्ष जाए तो कैमरा है। तो खैर, वो अपना कांग्रेस पार्टी और राहुल जी का, अगर बाकियों को इजाजत देते हैं उन्हें नहीं देते हैं तो अलग बात है।
वहीं कांग्रेस की फोटो पॉलिटिक्स पर बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों ने जोरदार पलटवार किया। बीजेपी ने तो राहुल गांधी को नॉन सीरियस पॉलिटिशियन बता दिया। प्रयागराज से बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि कांग्रेस तिल का ताड़ बना रही है। सीधी सी बात है, लोग जानते रहे कि वो विश्वनाथ गए थे, फोटो का क्या मतलब होता है? इस तरह की छोटी छोटी बातों को पब्लिक करना बहुत अच्छी बात। वहीं बिहार में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने भी राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। ये दोहरे मानदंड है, एक तरफ आस्था को लेकर कांग्रेस सवाल खड़े करती है और दूसरी तरफ इस तरह के बयान उनके नेताओं के द्वारा दिए जाते हैं जिससे ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि हम हिंदुत्व से दूर नहीं है। यही नहीं, हाल ही में कांग्रेस से निकाले गए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। राम के नाम से नफरत करोगे, राम के न्योते को ठुकराओगे और मंदिरों में धक्के खाते घूमोगे तो भला सनातन कैसे मजबूत होगा? सवाल है, मंदिर सब जा सकते हैं लेकिन आपका भाव क्या है? Z News.